नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। आपको ये पौधा दिख रहा है, ये हमारा अमरूद का पौधा है और इसके फल के क्या क्या फायदे उपयोग और कैसे सब्जी बनती है इसके अमरूद के फल की, और अपन क्या करते हैं उसको नॉर्मली तो कच्चा और नमक वमक के साथ खाते हैं, वो सब बाद में बताएंगे, किसी और दिन वीडियो बनाएंगे। अभी तो इसके पत्तों के बारे में हम बता रहे हैं। इसके जो जो पत्ते हैं अमरूद के, जो जी आपको पत्ते दिख रहे हैं, ठीक है, इन पत्तों को लो और पीस लो, ठीक है, और अमरूद के पत्तों को पीस करके और पूरे अपने नहाने से पहले पूरे चेहरे पे, स्किन पे लगा लो। कोई जे पौधे की ये तो है नहीं, कैसे होगा क्या होगा, इसमें दो पौधे हो गए हैं, एक ये फूल वाली बेल भी हो गई, उसी के साथ जम गई थी, पहले से लगी हुई थी, तो बस उसी में मैंने अमरूद डाल दिया था, तो वो अमरूद भी अपने आप जम गया। पौधे खरीदती तो मैं बहुत कम हूँ, मेरे तो पौधे भगवान की कृपा से ऐसे होते रहते हैं, चाहे ये समझ लो मुझे पौधों से प्यार है तो मेरे पौधों को मुझसे प्यार है। जब पौधे इस तरह हिल रहे होते हैं हवा में या आके उस पर चिड़िया बैठ जाती है कभी कभी, तो मुझे ऐसा लगता है चलो किसी को घर तो दे के आ सकते हैं, कोई एक पंछी आके मेरे घर पर बैठा तो चलो कम से कम किसी को मैंने सहारा तो दिया। तो ये अमरूद का जो पौधा है इसके पत्ते आप पीस के और पूरी स्किन पर लगाना, मतलब तो जो अपन उबटन करते हैं, लेप लगाते हैं, उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पत्ते पत्ते तोड़ ले जाना, ऐसे ऐसे लेना, पत्ते तोड़ लेना, अब मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए, और ले के पीस के और पूरे चेहरे पे और सब पे लगा के और ज़रा सी देर बाद फिर मतलब लगा लेना और नहा लेना। फिर आप अपने चेहरे को, हाथ पांव को, सबको देखना, चेहरे पे जो जुस्सियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और इसके फल के तो फ़ायदे हैं ही, जब फल लगे होंगे तब हम बताएंगे इसके फ़ायदे, सर्दी आने दो जब बताएंगे, और सब्जी का तरीका भी बहुत अच्छे से बताएंगे कि फल की सब्जी कैसे बनती है। तो अब यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके घर अमरूद आए तो उसे किसी चीज़ पौधे की, जैसे ये फूलों की बेलें वगैरह तो सब बहुत लोग लगाते हैं, अब तो बहुत लोग प्रेम करने लगे, तो ऐसी कोई फूल की बेल हो या कुछ और पौधा हो, गुलाब गुलाब का हो, जैसे गुड़हल का पौधा हो, कोई भी पौधा हो तो उसमें डाल देना इसको, और उसमें डाल के और फिर जम जाएगा। और एक तो कितना अच्छा लग रहा है, हरा हरा देखो लग रहा है, उसके बाद तुम्हारे घर की सुंदरता बढ़ाए। तुम्हें लेप में तुम्हें पीस के अपने लगा लो, उसमें भी फ़ायदा करता है, और बस यही है इसके फायदे, और क्या है। और फल तो इसका लाजवाब है ही, सर्दियों का राजा है, गर्मियों में आम राजा है, सर्दियों में अमरूद राजा है, और अमरूद के तो यही है मेन बात है, क्योंकि आजकल लोग बाजार से बहुत चीज़ें खरीद खरीद के लेके आते हैं, मगर बच्चे इस बात को नहीं मानेंगे, बच्चे कहेंगे ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, इसलिए बच्चों को तो ये सलाह देना ही बेकार है, उनसे तो कहो ना वो ही अच्छा है। क्योंकि आजकल मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बच्चे हैं ये कहेंगे, एक दिन मैंने एक लड़की को उसको बो रही थी, जैसे अपन गांव की भाषा लद्र बोलते हैं, चकतरे चकतरे, मैंने कहा बेटा बहुत सारे ट्यू लगा लिए, तो मैंने कहा थोड़ा सा लगा लो, अरे ये मेरी तो स्किन ऐसी है, मेरी तो स्किन वैसी है, तो भैया ठीक है तुम्हारी स्किन ऐसी है, वैसे स्किन तो है, सबकी स्किन में फ़र्क होता है, किसी की कैसी है किसी की कैसी है, लेकिन अमरूद के फल को कभी किसी ने कहा हमारा पेट ऐसा है हम नहीं खाएंगे, हमारा पेट वैसा है हम नहीं खाएंगे, सामने आ जाए सब लोग खा लेते हैं कि नहीं खा लेते अमरूद के फल को। इसी तरह से यदि अमरूद के पत्ते पीस के तुम लगाओगे स्किन पर तो तुम्हारी स्किन में फ़ायदा पड़ जाएगा, नुकसान नहीं करता है,
अमरूद है, ठीक है, कभी बेलपत्र का और बना के डालूंगी। ये तो दवाई मान के चलो, ये कोई वो नहीं है कि पौधे हैं या ये तो बेकार है, वो उल्लू बनाने वाली चीज़ है। उल्लू बनाने वाली चीज़ नहीं है, सच्चाई वाली चीज़ है। ये सच्चाई का सामना करना है, इसी के साथ और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नमो राघवाय, नमो राघवाय। मानो तो मर्जी, न मानो तो आपकी मर्जी। जैसा भी आपका जी करे उसी हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी जियो। बस हम तो एक इंसान हैं जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, मानेंगे तो आजकल के बच्चे या बड़े ठीक हैं, नहीं मानेंगे थक जाएंगे। एक दिन या तो समय आ जाएगा जब चलते बनेंगे, या थक जाएंगे तो बैठ जाएंगे। कोशिश शुरू की है, कोशिश कर रहे हैं, शायद कामयाब हो जाएं उस कोशिश पे। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय।